सभी लोग जानते हैं इस समय की कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने और विभागीय अधिकारियों के ने दिशा निर्देशन में जगह जगह आने जाने वालों का परीक्षण करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में स्थानीय कस्बा रेउसा सीएचसी के प्रभारी समेत ये टीम सड़कों पर जगह जगह आने वाले वाहनों में लोगों का परीक्षण करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर अनंत मिश्र प्रभारी जी से, क्योंकि अभी तक उन्होंने कितनी लोगों की जांच की है और अभी जो एक कस्बा चौराहे पर एक जांच की है गाड़ियों को रुका रुका करके, उसमें कितने लोगों को और क्या क्या मतलब मिला है और किस की जांच की है। अभी चौराहे पे एक ट्रक को रोक करके आप लोग गाड़ियों में चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे, किस विषय को लेकर के? हम लोग को सूचना मिली कि कुछ 20-25 लोग एक ट्रक में भर के कहीं जा रहे हैं। ये सूचना मिलने पर हमने तुरंत ही जो है थाना रूसा में इसकी सूचना दी और पुलिस बल के साथ हमने उस ट्रक को रोका और तब हम लोगों ने उनको पुलिस बल ने रुकवाया और पूछा गया कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तब पता चला कि उसमें विभिन्न ज़िलों से ये लोग जो है यहाँ पर आ रहे थे, कुछ गाज़ियाबाद से थे, कुछ लखनऊ से थे, कुछ और भी कई ज़िले थे जहाँ से वो लोग आ रहे थे। तो इसके बाद हम लोगों ने उनको उतार के सबको जो है एक मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा करके और फिर हमने सबका उसका जितने भी वहाँ के व्यक्ति थे उसमें 25 लोग थे, 25 लोगों का जो है हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जिसमें कोरोना से संबंधित लक्षण देखे गए। और इसमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी मरीज देखे अभी उनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं थे, अतः उन लोगों को जो है 14 दिन के लिए हमने कहा है कि जहाँ जब भी वो लोग जहाँ जब पहुँचे अपने घर पर तो जो वहाँ पर जो है 14 दिन जो है वो घर पर ही रहेंगे, कहीं भी किसी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण 14 दिन तक कभी भी आ सकते हैं। तो अभी आज के दिन जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसमें कोरोना के लक्षण हो। अच्छा, अभी तक जब से ये बीमारी शुरू हुई है तब से क्या कोई अभी पॉजिटिव पाया गया है इस संबंध में? अभी हमारे ब्लॉक में कोई भी किसी व्यक्ति अभी तक हमारी टीमें जो है चार टीमें जो है हमारी स्वास्थ्य विभाग की चल रही हैं जो विभिन्न फील्डों पर जा रही हैं और चार हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की टीमें हैं जो कि अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की परिधि के चारों तरफ जो है वो चेक कर रही हैं और बाकी हमारी सीएससी की टीम है जो कि सीएससी पे अगर मरीज आ रहा है उनको देखा जा रहा है। और इसके बावजूद भी अगर हमारे पास कहीं कोई सूचना मिलती है तो हम एक मेरे नेतृत्व में भी टीम चल रही है जो विभिन्न क्षेत्रों पर जाके कहीं बाहर या इस तरह से कोई चेक होता है तो वहाँ पर चेक किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या पाए जाते हैं कोरोना जैसे जो काफ़ी एक हुहा बना रखा है कुछ लोगों ने? साधारण वो एक बहुत ही एक वैश्विक बीमारी है जो कि मेनली चाइना से आई है। तो ये एक वायरल डिसीज़ है। वायरल डिसीज़ में क्या होता है कि इसमें अभी तक इसका कोई कारगर इलाज नहीं मिला है और इसमें क्या है कि जो है विभिन्न तीन तरह के लक्षण मेनली जो है इसमें पाए जाते हैं मरीजों में। एक तो बुखार, सूखी खांसी और सांस की तकलीफ होना। अगर इस तरह के लक्षण किसी भी मरीज में मिलते हैं तो हम लोग उसको जो है उस मरीज़ को आगे जांच के लिए उसको भेजते हैं ताकि अगर उसमें किसी तरह के कोरोना के लक्षण हों तो वो पता चल सके। अच्छा, ये लक्षण कोरोना से संबंधित पाए जाते हैं अगर लोगों में मिले तो? लक्षण जो होते हैं कोरोना से संबंधित होते हैं और इन लक्षणों को जो है हम मरीजों में देखते हैं कि अगर इस तरह के कोई भी लक्षण इस तरह से हमें मिलते हैं तो हम उनको जो है वो पहले से जो है वो करते हैं कि इनको जो है जिला अस्पताल भेजा जा सके या अगर कुछ शक होता है तो हम हमारे यहाँ अस्पताल में भी उनको एडमिट करके रखते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी इन संबंधों में जो अपने यहाँ स्थानीय रक्षा सचिव में क्या जाँच मुहैया हो जाती है इसकी? अभी केवल लक्षणों की जाँच होती है। अगर इन लक्षणों में हमें लगता है कि कहीं कोरोना का जरा सा भी हमें कुछ मात्र भी अगर संदेह होता है कि इसमें कोरोना के लक्षण हैं तो फिर उस मरीज को जो है हम जिला अस्पताल जो है वो रेफर करेंगे और फिर जिला अस्पताल से जो है वो जांच जो होगी वो लखनऊ जाती है, फिर वहाँ से जो है अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसी उस हिसाब से उसको हम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएं कि जैसे लोग कहते हैं क्या या छुआछूत से ही भी बीमारी फैल जाती है? हाँ, ये बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है और ये अगर किसी एक दूसरे की जो है अगर हम एक मीटर से कम की दूरी पर खड़े हैं तो हो सकता है कि हमारी सांसों के द्वारा या हमारे जो है हमारे जो खांसने से या छींकने से जो है ये बीमारी सामने चली जाती है या फिर अगर हमने किसी ऐसी जगह पर जैसे कुर्सी या मेज़ के पे हमने जो है वो छींक दिया या खांस दिया या हमारे हाथों में अगर हम छींकते या चाटते हैं तो क्या होता है कि वो जो वायरस होता है वो उस जगह पर चिपक जाता है और उसके बाद दूसरा व्यक्ति जब उसी चीज़ पर हाथ रखता है
और वो हाथ अपने मुंह नाक या आँख में लेके जाता है तो वो बीमारी उस व्यक्ति को जो है वो ग्रसित कर लेती है। अच्छा, इसलिए सभी व्यक्तियों को कहा जाता है कि हर जो है अपना हाथ जो है वो आँख नाक और मुंह में ना लगाएं किसी भी कीमत पे, और हर एक एक घंटे पे जो है वो साबुन से हाथ अच्छी तरह, जिसमें हाथ आगे से धोना, पीछे धोना, अंगूठा, कलाई और मुट्ठी अच्छी तरह से धो के 20 सेकंड तक धोना है ताकि जो है ये वायरस हाथ से शरीर से चला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाहर से कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसको वहाँ से और यहाँ तक लाने में आपकी टीम कैसे कारगर साबित होगी और किस प्रकार से उसको लाएगी? तो जो हमारी टीमें भी जा रही हैं और हमारे यहाँ आशा कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी और एनएम को भी हम लोग जो है गाँव जो है भेज रहे हैं। उसमें उन लोगों को पता भी करते रहना है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं व्यक्ति जो बाहर से आए हैं वो बीमार हैं, उनको बाहर से आए व्यक्ति की सूची बनाने के लिए भी कहा गया है। तो उनके द्वारा जो भी हम सूचना ले रहे हैं, हम जो गाँव में प्रधान और लेखपाल और खोजेदार भी हमें सूचना दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर आता है और हमें कोई ज़रा सा भी पता चलता है कि वो व्यक्ति बीमार है या उसमें कोई वो है लक्षण, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। अगर कुछ ऐसा लक्षण मिलता है तब हम उसको जो है आगे कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे दोस्तों ब्लॉक में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसमें कोरोना के लक्षण अभी तक हमें। धन्यवाद। बात करते हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता जी से, क्योंकि ये हलीम नगर उपकेंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रामीण अंचल में वो इलाका है ग्रामीण, और वहाँ पे देहात में आने जाने वालों का काफ़ी एक तांता लगा होता है, बाहर से कमा कर लौटते हैं, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि वहाँ पर काफ़ी लोग दिल्ली से लौट करके कुछ आने की चर्चा काफ़ी हलीम नगर में थी, उसमें कितने लोगों को आप देखा ले चलते हैं डॉक्टर विशाल के पास? दिल्ली से आज 28 तारीख में 6 लोग आए हैं। कौन कौन थे? 6 लोग में सुनील है, श्यामलाल के पुत्र हैं, सतीश, देवाराम, संतोष कुमार, नरेंद्र और संजय। इन लोगों को सारों को चेक किया तो किसी का बुखार नहीं आया। अच्छा। बुखार और कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं मिले, लेकिन को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है, घर के अंदर रहेंगे और सब उनको व्यवस्थाएँ बता दी गई हैं जिससे दूसरे लोगों को ना फैले। अच्छा, ये सब हलीम नगर के निवासी थे? हाँ, ये हलीम नगर निवासी थे, दिल्ली से आ जाए। अच्छा, दिल्ली से आए थे। लखनऊ से 2 लोग आए थे, वो जो कल आए थे उनकी भी जाँच कर ली गई, किसी में बुखार या ऐसा कोई सिम्टम नहीं। वो कौन कौन लोग थे? वो थे मनीष द्विवेदी, सना सूर्यनारायण द्विवेदी और नागेश रामस्वरूप जी। इनको सबको समझा दिया गया कि 14 दिन तक इनको बिल्कुल अंदर रहना है और एक दूसरे से बीमारी ना फैले, अंदर करके बिल्कुल सख्त हिदायत देके आए। ठीक डॉक्टर, बात करते हैं डॉक्टर विशाल गुप्ता जी से, क्योंकि ये हलीम नगर उपकेंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रभारी हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रामीण अंचल में वो इलाका है ग्रामीण, और वहाँ पे देहात में आने जाने वालों का काफ़ी एक तांता लगा होता है, बाहर से कमा कर लौटते हैं, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि वहाँ पर काफ़ी लोग दिल्ली से लौट करके कुछ आने की चर्चा काफ़ी हलीम नगर में थी, उसमें कितने लोगों को आप देखा ले चलते हैं डॉक्टर विशाल के पास? दिल्ली से आज 28 तारीख में 6 लोग आए हैं। कौन कौन थे? 6 लोग में सुनील है, श्यामलाल के पुत्र हैं, सतीश, देवाराम, संतोष कुमार, नरेंद्र और संजय। इन लोगों को सारों को चेक किया तो किसी का बुखार नहीं आया। अच्छा। बुखार और कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं मिले, लेकिन को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है, घर के अंदर रहेंगे और सब उनको व्यवस्थाएँ बता दी गई हैं जिससे दूसरे लोगों को ना फैले। अच्छा, ये सब हलीम नगर के निवासी थे? हाँ, ये हलीम नगर निवासी थे, दिल्ली से आ जाए। अच्छा, दिल्ली से आए थे। लखनऊ से 2 लोग आए थे, वो जो कल आए थे उनकी भी जाँच कर ली गई, किसी में बुखार या ऐसा कोई सिम्टम नहीं। वो कौन कौन लोग थे? वो थे मनीष द्विवेदी, सना सूर्यनारायण द्विवेदी और नागेश रामस्वरूप जी। इनको सबको समझा दिया गया कि 14 दिन तक इनको बिल्कुल अंदर रहना है और एक दूसरे से बीमारी ना फैले, अंदर करके बिल्कुल सख्त हिदायत देके आएंगे। ठीक है।